हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछला जो मैंने फन फैक्ट्स इन बायोलॉजी अपलोड किया था उसमें मुझे एक रिक्वेस्ट आया था दैट किसी ने कहा था कि उसमें आप सर एक परसिस्टेंस ऑफ विजन इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो यस आई एम मेकिंग दिस टुडे एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द नॉलेज अबाउट परसिस्टेंस ऑफ विजन। सो लेट अस सी, आई होप ये आपको पसंद आए। एंड यस सार्थक शायद उनका नाम था जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजा था। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिम कि आप ये ज़रूर देखें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। ओके सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जो आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट डज परसिस्टेंस ऑफ विजन मीन। ओके परसिस्टेंस ऑफ विजन को हम लोग अदरवाइज रेटिनल परसिस्टेंस भी कहते हैं। ओके सो वट डू दिस एक्चुअली मीन? इट मीन्स दैट इट इज द काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन। ये एक ऐसा टाइप का ऑप्टिकल इल्यूजन है दैट विल अकर वेन विजुअल परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके विजुअल परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जब हमारे आंखों के सामने आता है, राइट सो जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, लाइक कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने आया, वी कैन ओनली ऑब्जर्व इट वेन दैट लाइट विल पास थ्रू अवर आइस, है ना। तो हमारी आंखों में जब वो आइस पास होंगी और रेटिना में, हमारा जो आंखों के पीछे एक रेटिना होता है, दैट इज जस्ट लाइक ए पर्दा। ओके तो उसके ऊपर उसका इमेज फॉर्मेशन होगा, दैट इमेज विल बी इन्वर्टेड इमेज बट वी कैन परसिस्ट दैट। ओके हमारे आंखों के पास वो कैपेसिटी है, हमारे आंखों में रेटिना में कुछ अलग टाइप के सेल्स होते हैं, रोड्स एंड कॉर्न सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वी हैव द कैपेसिटी टू परसिस्ट दैट इमेज। ओके वो ऑब्जेक्ट को हम लोग परसिस्ट कर लेंगे कुछ समय के लिए अपने आंखों में। ओके सो दैट परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट सीज, इट विल डज नॉट सीज फॉर सम टाइम। ओके इवन आफ्टर द रेज ऑफ लाइट प्रोसीडिंग फ्रॉम इट हैव सीज टू एंटर द आई। दो हमारे आंखों में वो ऑब्जेक्ट या तो हमारे आंखों के सामने से हटा दिया जाए या तो फिर उसके थ्रू से जो लाइट हमारे आंखों में घुस रही थी उसे सीज कर दिया जाए, स्टिल अवर आई विल टेक सम टाइम टू रिमूव दैट इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर आई। ओके दैट इज ओनली कॉल्ड एज द परसिस्टेंस ऑफ विजन, उसे ही बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ओके सो हाउ डू वी परसिस्ट इट, हमें कैसा ये हम लोग इमेज को परसिस्ट कर पा रहे हैं विद इन अवर आइज। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज वी जस्ट लाइट एन इंसेंस स्टिक। ओके एक अगरबत्ती को हम लोग जलाएंगे तो इफ वी सी द एज ऑफ द अगरबत्ती जहाँ पे जलाया हुआ है, दैट विल अपीयर टू बी अ रेड लाइट। ओके बट इफ आई कंटिन्यूअसली मूव इट, मैं उसे कंटिन्यूअसली अगर गोल गोल ऐसे घुमाते रहूँगा, ओके और कुछ देर तक घुमाने के बाद मैं स्पीड बढ़ाते जाऊँगा, सो वाट विल हैपन, दैट रेड लाइट जो था, सपोज ये है इंसेंस स्टिक, इधर वो लाइट है, और अगर मैं उसे कंटिन्यूअसली अगर घुमाता हूँ तो वो कुछ देर बाद जब बहुत ही फास्ट मूव करने लगेगा, सो इट विल बी अपियरिंग लाइक ए रेड सर्कल ओवर देयर। ओके वो उस तरीके से अपियर करेगा जैसे कि एक सर्कल बना हुआ हो वहाँ से रेड लाइट का। ओके एंड अनदर सिंपल एग्जाम्पल, ये आप लोग हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। ओके वी जस्ट हैव टू टेक अ कार्डबोर्ड, एक पतला सा स्क्वायर साइज का या कुछ भी कार्डबोर्ड हम ले सकते हैं, एंड उसमें हम लोग एक तरफ में सपोज आई विल मेक अप केज और एक प्रिजन जैसा कुछ भी बना सकते हैं, एंड दूसरी तरफ अगर आपने इस तरफ केज बनाया है तो आप दूसरी तरफ एक छोटा सा पक्षी बना लीजिए। ओके और अगर इस तरफ आपने जेल के बार्स बनाए हुए हैं तो दूसरी तरफ एक ह्यूमन बींग्स को बना लीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको करने में। ओके सो व्हाट हैपेंस जब हम लोग ऐसा बना के कार्डबोर्ड के दो तरफ दो इमेज बना दिए हमने, ओके एंड दोनों तरफ कार्डबोर्ड के हम लोग छेद कर देंगे। ओके लाइक दिस, इस तरफ एक छेद कर दिया, इस तरफ एक छेद कर दिया, इधर एक इमेज है एंड जस्ट उसके ऑपोजिट तरफ एक इमेज रहेगा। ओके एंड दोनों छेद में हम लोग रस्सी बांध देंगे। ओके फिर आप सबको बचपन में याद ही होगा हम लोग खेला करते थे वो कॉइन्स को हम लोग एकदम चपटा कर देते थे, देन उसके दोनों तरफ छेद करके उसको रस्सी में बांध के हम लोग या धागे में बांध के उसको घुमाते थे, राइट। उसी तरीके से हमें ये वाला एक्सपेरिमेंट भी करके देखना है। ओके जब हमारा कार्डबोर्ड रेडी हो जाएगा, दोनों तरफ दोनों इमेज रेडी हो जाएंगे, एक तरफ केज एंड एक तरफ बर्ड, देन हम लोग को वैसे ही स्ट्रिंग से उसे दोनों तरफ से बांध के सेम सर्कुलर मोशन में उसे लेके जाना है, हम लोग उसे बहुत ही स्पीड में घुमाएंगे। ओके सो व्हाट हैपेंस अगर हम लोग स्लोली स्लोली घुमाते हैं उसको, देन वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व बोथ द इमेज सेपरेटली।
एक तरफ हमें वो बर्ड दिखेगा, दूसरी तरफ हमें केज दिखेगा, बट अगर हम लोग उसे बहुत ही फास्ट पेस में घुमाते हैं देन वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि वो केज में आ गया, ऐसा दिखता है जैसे वो बर्ड केज के अंदर है. ओके, द बोथ द इमेज विल अपियर टू बी अ सिंगल इमेज. ओके, दिस इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन. ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज हमारा आंख जो है वो दोनों इमेज को कुछ समय के लिए परसिस्ट कर पा रहा है. ओके, और ऐसा तभी पॉसिबल हुआ जब हमने थोड़ा स्पीड में रोटेट किया उसको. ओके, व्हेन वी रोटेट इट एट ए सडन स्पीड, उसके बाद ही हम लोग का आई उसे परसिस्ट करना शुरू करता है. ओके, जब हम स्लो स्पीड में घुमा रहे तब भी वो परसिस्ट कर रहा है बिकॉज उस समय पे हमें इमेज ही नजर आता है. क्यों? बिकॉज द टाइम द इमेज इज फ्लैशिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज इज इक्वल टू और लेस देन द टाइम आवर आई कैन परसिस्ट द इमेज. ओके, तो जब सेम होता है परसिस्टेंट का टाइम और इमेज फ्लैशिंग का टाइम तब हमें वो इमेज की तरह ही नजर आता है, लेकिन जब इमेज फ्लैशिंग का टाइम बढ़ जाता है मतलब एक ही सेकंड के अंदर हमें हम लोग उसे बहुत ज्यादा बार अगर देखते हैं बिकॉज जब वो रोटेट कर रहा है वी कैन सी दिट सी दैट मेनी मोर टाइम्स एट ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, एक ही सेकंड के अंदर में उसे बार 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 देख लेंगे. सो एट दैट टाइम आवर आई विल परसिस्ट द इमेज एंड ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही है एंड ऐसा लगेगा कि पिंजरे के पीछे ह्यूमन बींग है या तो फिर केज के पीछे बर्ड है, ऐसा नजर आएगा. ओके, सो ऐसा लगेगा कि वो उसके अंदर ही है. ओके, सो व्हाट इज द रीजन, जैसे मैं बोला आवर आईज परसिस्ट द इमेज. ओके, सो वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज आवर आईज कैन क्रिएट एन इमेज ऑफ इट. जैसा हम जानते हैं हमारा इमेज बनेगा उसके ऊपर, रेटिना के ऊपर में इमेज बनेगा. दैट्स ओनली व्हेन वी विल बी एबल टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट हम उसी तरीके से देख पाते हैं. और एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस, जब तक हमारे सामने वो ऑब्जेक्ट रहेगा ओके, तब तक उसके ऊपर रेटिना के ऊपर इमेज बनता रहेगा. लेकिन जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो हमारा इमेज भी चला जाएगा. ओके, बट दैट इज नॉट सो वेरी इंस्टेंटेनियस. ओके, उतना भी इंस्टेंटेनियस नहीं होता है. जो ऑब्जेक्ट का इम्प्रेशन होता है, जो इमेज का इम्प्रेशन होता है, दैट विल रिमेन ऑन अवर रेटिना, दैट विल लास्ट फॉर सम टाइम. ओके, एंड दैट टाइम इज अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड. लगभग 1 सेकेंड के 16वें हिस्से तक. ओके, 1/16 ऑफ अ सेकेंड, उतना टाइम तक हमारा आई जो है उस इमेज को प्रोसेस करते रहता है और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे आंखों के सामने में ही है. दैट इज जस्ट अ नेग्लिजिबल टाइम. ओके, 1/16 ऑफ अ सेकेंड इज जस्ट नेग्लिजिबल बट दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो उस समय पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाने के बाद भी 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक हमारा आई उसे परसिस्ट करता है एंड वी कैन ऑब्जर्व इट. दैट इज ऑल्सो दैट इज ओनली कॉल्ड एज द परसिस्टेंस ऑफ विजन. ओके, सो ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन ओनली देर इज एन इल्यूशन. हमें ऐसा लगता है कि इट्स एन इल्यूशन. ओके, हमें ऐसा लगता है कि वो एक साथ चल रहे हैं या एक ही इमेज है, ऐसा लगता है. ओके, सो जो इल्यूशन में हमने सपोज वो जो रेड सर्कल देखा या तो फिर जैसे देखा कि पैरट और केज एक ही पिक्चर में देखने को नजर आ रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द इल्यूशन, दैट इज ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ दैट इमेज इन अवर आईज. ओके, सो इसके अगर हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करें, हमारे आजकल के जो मोशन पिक्चर्स बनते हैं है ना, एंड इनफैक्ट अवर टेलीविजन, घरों में जो टेलीविजन पड़ा हुआ है जो हम लोग रोज देखते हैं, उसका भी प्रिंसिपल यही सेम होता है. ओके, टेलीविजन एंड द मोशन पिक्चर्स दे वर्क ऑन दिस सेम प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन. ओके, इसमें क्या होता है, मोशन पिक्चर्स में क्या होता है, जो फोटोग्राफ्स होते हैं ना, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के फोटोग्राफ्स होते हैं, दे विल बी टेकन एट एन इंटरवल ऑफ लेस देन 1/16 ऑफ अ सेकेंड. ओके, 1/16 ऑफ अ सेकेंड से लेस समय तक के लिए उनको पिक्चराइज किया जाएगा. उनको उनके जो फोटोग्राफ्स होते हैं मोशन पिक्चर्स के, वो मूविंग ऑब्जेक्ट के फोटोग्राफ, दे विल बी टेकन एट एन इंटरवल ऑफ लेस देन 1/16 ऑफ अ सेकेंड एंड देन दे विल बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन. ओके, एंड उसी रेट में 1/16 ऑफ अ सेकेंड से कम रेट में ही वो लोग उस स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड किए जाएंगे. सो व्हाट विल हैपन, आवर आईज विल कैच द पिक्चर है ना. जब हम लोग देखेंगे वो पिक्चर को तो हम लोग को जो है एक एक पिक्चर जो है नजर आएगा एट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर. ओके, जब हम लोग मोशन पिक्चर देखते हैं सपोज एक रनिंग हॉर्स दिखा रहा है, ओके,
देर आर रनिंग हॉर्स बट द पिक्चर्स आर स्टिल। ओके, वहाँ पे सपोज एक पहले में घोड़ा सपोज ऐसा बनाया हुआ है, चार पैर ऐसे ही है, देन सेकेंड में सपोज ऐसा बना दिया गया लाइक वो दौड़ रहा है ऐसा। ओके, जस्ट मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, मैं एक इमेज शेयर कर दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये स्टिल इमेजेस एक के बाद एक के बाद एक प्लेस किए रहते हैं एट एन इंटरवल ऑफ लेस देन 1/16 ऑफ अ सेकेंड। और जब हम वो पिक्चर देखते हैं तो सिंस हमारा आई जो है वो परसिस्ट कर लेता है ना, सो हमारे पास एक फर्स्ट इमेज का ऑब्जर्वेशन जो रहता है वो परसिस्टेड होके रहता है, देन तुरंत साइमल्टेनियसली दूसरे दूसरे इमेज हमारे सामने आ जाता है, सो हम उसे भी परसिस्ट कर लेते हैं, राइट? तो ऐसा करते करते हमें ऐसा लगता है दैट वी आर वॉचिंग अ मूवी, एक वीडियो चल रहा है जैसा हमें लगता है, बट दोज आर नथिंग बट फ्रेम्स ऑफ इमेजेस सीन्स कंटिन्यूअसली वन आफ्टर द अदर बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ आई। ओके, हमारा आई उसे परसिस्ट कर लेता है, इसकी वजह से हमें एक वीडियो की तरह वो लगता है, अदरवाइज दे आर नथिंग बट सम फोटोग्राफ्स, स्टिल फोटोग्राफ्स विच आर प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर। ओके, वी कैन ऑल्सो सी देर आर फ्रेम रेट्स, ओके 24 FPS, एंड जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि 30 FPS, 60 FPS है ना, ऐसा अलग अलग फ्रेम रेट्स आता है। दिस मीन्स फ्रेम पर सेकेंड, FPS मीन्स फ्रेम पर सेकेंड। ओके, सो इसका मतलब होता है 24 FPS का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में 24 फ्रेम्स विल बी पैसिंग इन फ्रंट ऑफ अवर आइज। ओके, 1 सेकेंड में 24 फ्रेम जो होते हैं हमारे आंखों के सामने से जाएगा, एंड सिंस अवर आई विल परसिस्ट 1 फ्रेम फॉर सम सेकेंड्स, है ना, मतलब सम सेकेंड तो नहीं 1/16 ऑफ अ सेकेंड, सो जब वो परसिस्ट करेगा तो उसी दौरान दूसरा इमेज वहां पे रख दिया गया होगा। मैंने जैसे बोला 1/16 ऑफ अ सेकेंड से कम समय के लिए एक इमेज रहता है प्रोजेक्टेड, दूसरा इमेज उसके कम सेकेंड्स में ही प्रोजेक्टेड हो जाता है। तो एज सुन एज अवर आई विल बी फिनिशिंग परसिस्टिंग द फर्स्ट इमेज, ओके सपोज 24 फ्रेम पर सेकेंड का है, पहला इमेज हमने प्रोसेसिंग किया और परसिस्ट किया 1/16 सेकेंड तक, तब तक ऑलरेडी वहां पे दूसरा इमेज आ चुका होगा, राइट? तो ये परसिस्टेंस खत्म नहीं हुआ होगा, हम लोग दूसरा इमेज हमारा दूसरा फ्रेम हमारे आंखों के सामने आ जाएगा, सो इट विल अपियर लाइक अ कंटिन्यूअस फ्रेम्स। ओके, तो वो हमें स्टिल पिक्चर्स की तरह नहीं बल्कि कंटिन्यूअस फ्रेम्स की तरह नजर आते हैं। ओके, दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड ऑल द टेलीविजन शोज आर। ओके, इसी प्रिंसिपल पे शूटिंग्स होती हैं, इसी प्रिंसिपल पे हम लोग देख पाते हैं मूवीज। ओके, सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू नो, हमने तो जान लिया कि हम कैसे मोशन पिक्चर्स को एंजॉय करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट अदर एनिमल्स। ओके, सपोज यू आर वॉचिंग अ मूवी विद अ डॉग, देन ट्रस्ट मी दैट डॉग इज नॉट वॉचिंग अ मूवी, ओके, बिकॉज उसका जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है दैट इज अ क्वाइट डिफरेंट देन आवर्स। ओके, हम लोग देख रहे हैं मूवी, उसे मूवी की तरह ही, वीडियो की तरह ही एंजॉय कर रहे हैं, वी कैन एंजॉय द पिक्चर, बट द डॉग इज वॉचिंग स्टिल इमेजेस पासिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ओके, उसके सामने से स्टिल इमेजेस पास कर रहे होंगे, बिकॉज क्या है, डॉग्स लोगों का विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। ओके, ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग परसिस्टेंस ऑफ विजन हो सकते हैं। ओके, सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट परसिस्टेंस ऑफ विजन और रेटिनल परसिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर एज मच एज पॉसिबल, एंड अगर और भी आपका कुछ रिक्वेस्ट है तो ऐसे ही मुझे बताते रहिए कमेंट्स में, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं। ओके, थैंक यू ऑल।